बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मोरखा 5 अगस्त 2021 बरोज़ जुमरात जनाब डॉक्टर शुजात अली के साथ गिलगित से स्कर्दो की तरफ महवे सफ़र हैं, और ये सफ़र हमने स्कर्दो से ही आगाज़ किया था। डिप्टी सेक्रेटरी जनाब सर गुलाम हसन साहब के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उस्ताद मोहतरम को चिलम तक पहुंचाना था, और उसमें बरास्ता दियुसाई हम स्कर्दो से सफ़र किया। दियुसाई के मैदान में वहाँ कुदरत की हुस्न जमालात, तख्लीक खुदावंदी और मुसवरी को देखकर वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की शादाबियाँ, वहाँ के शफाफ पानी, रंग बिरंगे फूल कुदरत के कमालात का मजबूर दीवाना बना देते हैं। वहाँ से होते हुए हमने अस्तोर का सफ़र किया। अस्तोर रामा में, जो अस्तोर के टॉप पर मौजूद है, इंतहाई खूबसूरत जगह है, वहाँ पर रात को क़याम किया। उसके बाद वापस गिलगित आ गए। गिलगित से सर हसन के साथ हमने हुंजा का सफ़र किया। हुंजा में रात को क़याम किया। हुंजा इंतहाई खूबसूरत साफ़ सुथरा शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज बाखलाक लोग हैं, और वहाँ पर बल्तिस्तान के खत्ों में से, जगहों में से, शहरों में से इंतहाई तरक्की याफ्ता नज़र आते हैं। और हमने हुंजा से आताबाद झील की तरफ सफ़र किया, तो दरमियान में हमारे चाइनीज़ बरादरी के बनाए गए टनल्स को देखकर हमारे अक्ल दंग रह गए, और हमने उनकी तख्लीकारी और फनकारी का एतराफ़ कर लिया। वहाँ से होते हुए आताबाद झील पहुँचे, तो इंतहाई खूबसूरत झील जो कि अचानक एक स्लाइडिंग की वजह से वजूद में आई है, वहाँ पर किश्ती चलाने वालों को अच्छा जो टनल है वो भी वहीं पे मौजूद है। उससे आगे जाकर एक ब्रिज है, हुसैनी ब्रिज उसका नाम है, इंतहाई खूबसूरत है मगर पुरखतर हैं। वहाँ के लोग, उस तरफ के गांव के लोग चल के जाते हैं, लेकिन हम नए लोग जो वहाँ जाते हैं तो डर सा लगता है, क्योंकि इंतहाई मुख्तसर पुल है मगर खूबसूरत पुल है। वहाँ गया, वहाँ से वापसी गिलगित शहर, और सर गुलाम हसन साहब के साथ रात को क़याम किया, उसी के साथ नाश्ता किया, और उसको जीबी सेक्रेट में छोड़कर जनाब डॉक्टर शुजात अली साहब के साथ हम गिलगित से स्कर्दो की तरफ हम रवाना हो गए हैं। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पर जो रोड का हाल है वो इंतहाई खूबसूरत है, पुरकशिश है, कुशादा है, लेकिन आगे जाकर पुरखतर भी हैं। अभी ये जो रोड है ये बन रहे हैं। एक रोड जो हुंजा का था वो चाइनीज़ बरादरी ने बनाया, लेकिन ये जो बना रहे हैं हमारे आर्मी के ज़ेरे एहतमाम इदारे FW वाले बनाते हैं और बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह कवी उम्मीद हम करते हैं कि ये रोड भी हुंजे रोड की तरह इंतहाई खूबसूरत और कुशादा रोड साबित हो। तो हम जाते हुए, मेरे साथ मौजूद है हमारे जाने माने फोटोग्राफर, समाजी वर्कर, अजीज दोस्त डॉक्टर शुजात अली साहब, बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरती है उसको दुनिया के सामने सोशल मीडिया के ज़रिए उजागर करने में बड़ा उनका कारनामा है, उनकी खदमात है। वो तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आज का जो सफ़र है शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा लंबा सफ़र, इतना लंबा सफ़र शायद ही किया हो, और वो भी जनाब सर गुलाम हसन जैसे एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ। तो डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको ये सफ़र? शुक्रिया गुलजार भाई, आपने मौका दिया, हम
हमारी सफर आज गिलगित से सकरदो की जानी रवान दवा है। कैकेश रोड पे हमारा सफर जारी है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जून जुलाई के महीने में जूसाई टॉप से होते हुए चिलिम चिलिम टू अस्टोरमा से आके गिलगित तक का सफर, तो ये महीना टूरिज्म के हवाले से बहुत ही अच्छा महीना है। अगस्त के एंड तक सीजन ख़त्म होता है, तो दिली ख्वाहिश थी कि सीजन ख़त्म होने से पहले ये जगह देख लूँ और ईसाई जैसे खूबसूरत जगहों में जो खिले हुए फूल है वो अपने कैमरे के आगे महफूज कर लूँ। आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई। हमारे साथ सफर में आप जैसे दोस्त जनाब इज्जत माफ डिप्टी सेक्रेटरी साहब सर गुलाम हसन साहब भी तशरीफ फरमा थे। आप दोनों ने सफर में और भी चार लगा दी। दौरान सफर हमने चिलिम अस्तोर रामा गिलगित गुंजा अताबाद झील हुसैनी ब्रिज तक हमने सफर किया। सबसे खुशगवार सफर मैंने ये महसूस किया, ये जो रोड जो बने हुए है चाइनीज बॉर्डर तक रास्ते का जो मंजर बहुत ही खुशगवार सफर रहा हमारा। खासकर टनल जो बनाया है बहुत ही शानदार बनाया है। अताबाद झील में जो लोगों का रश जो देखा, लोगों का किश्ती चलाने का जो अंदाज जो मैंने देखा बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं जिंदगी का एक यादगार सफर तस्वीर करता हूँ। दुआ है कि हमारे ये खुशियों जैसा सफर जिंदगी में बार बार आए और हमारी जिंदगी का खुशगवार सफर रवान दवा रहे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने राय का इजहार किया। मोहतरम सामीन, ये रोड का मंजर है। ये रोड गिलगित है, स्कर्दो की तरफ जाती है और इस पर इस वक्त FWO वाले काम कर रहे हैं और अवामी सतह पर बड़ी अच्छी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो कुछ हल्के अहबाब FWO के ज़ेर एहतमाम इस रोड के हवाले से तहफ़ुज़ात का इजहार भी करते नज़र आते हैं कि ये अभी स्कर्दो की तरफ हमने गाड़ी मोड़ दी है जी। जी, यहाँ से स्कर्दो की तरफ हम मुड़ गए हैं, तो इंशाल्लाह तिरायुल की तरफ हम महवे सफ़र हैं। और ये जो रोड का मंजर है, ये दुनिया के खूबसूरत धरती गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और इंशाल्लाह हम कभी उम्मीद करते हैं कि स्कर्दो रोड भी गुंजे रोड की तरह खूबसूरत रोड साबित होंगे।